Hello friends, NiSM series VA Mutual Fund Distributor Certification Examination के Chapter 1 Concept and Role of a Mutual Fund के Part 7 में मैं कुमार रवि Finance University की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ. Friends, मैं ये भी बता दूँ कि ये सारे videos NiSM Workbook version June 2018 पे based हैं. ये अभी तक का latest version है. Okay guys, so देखते हैं कि आज हम इस video में क्या-क्या topics cover करने वाले हैं. फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग डेट फंड कवर करेंगे. ओके सो देखते हैं डेट फंड का जो बेसिक हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, अब इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ डेट फंड कितने तरह के होते हैं. तो फ्रेंड्स डेट फंड आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी, यानी डेट फंड उसके डेट सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग ही कैटेगराइज होते हैं. इसके कैटेगराइजेशन का दो बेसिक क्राइटेरिया है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि उसके ड्यूरेशन के हिसाब से कि वो कितने दिन का होगा, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा. दूसरा क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूअर, यानी कि उस सिक्योरिटीज को इश्यू करने वाला कौन है, जैसे गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट है, पीएसयूज है या अदर्स हैं. ओके सो देखते हैं एक एक करके. ऑन द बेसिस ऑफ ईश्वर, जरूर देखते हैं ईश्वर के बेसिस पे डेट फंड को कितने पार्ट्स में या कितने टाइप्स में बांटा गया है. पहला गिल्ड फंड. गिल्ड फंड किसे करेंगे कि गिल्ड फंड इन्वेस्ट ओनली इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी गिल्ड फंड जो होगा वो सिर्फ ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करेंगे. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसके द्वारा बैक्ड होते हैं, यानी किसी भी डिफॉल्ट के केस में ये गवर्नमेंट उसका सारा पेमेंट करते हैं, जिसके कारण अब चूंकि इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम रहेगा, तो ये लो रिस्क लो रिटर्न वाली फंड होते हैं. लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड जो होंगे वो वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि मीडियम ड्यूरेशन या लॉन्ग मैच्योरिटी के होंगे, और इसका प्राइस जो रहेगा वो वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट एंड चेंज. अगर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो चूंकि ड्यूरेशन काफी ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें ये नहीं पता कि कब रेट चेंज हो या कब कितना ज्यादा चेंजेज आए, फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा हो रेट में. ओके नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स. कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इश्यूड बाय कंपनीज इंक्लूडिंग पीएसयूज, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड वैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सिक्योरिटीज इश्यूज किए जाते हैं कंपनीज द्वारा. देयर इज क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद, अब चूंकि कंपनीज डिफॉल्ट कर सकते हैं इसलिए उनमें क्रेडिट रिस्क रहता है, चूंकि क्रेडिट रिस्क रहता है डिफॉल्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है तो रिटर्न भी उसमें ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू गिल्ड फंड. प्राइस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इज आल्सो सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, अगर ये भी लॉन्ग टर्म का रहेगा तो ये इसका प्राइस भी सेंसिटिव रहेगा इंटरेस्ट रेट चेंज के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेंगे तो इसका प्राइस फ्लक्चुएट करेगा. दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टेनर, मतलब कि उसका कितने पीरियड का वो बॉन्ड होगा. तो इसमें आता है लिक्विड स्कीम. लिक्विड स्कीम आर ए वेरिएंट ऑफ डेट स्कीम दैट इन्वेस्ट ओनली इन शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज, यानी कि लिक्विड स्कीम वैसे डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि कम ड्यूरेशन का हो, और ये दे कैन इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज ऑफ अप टू 91 डे मैच्योरिटी, मतलब 91 डेज, मतलब 91 दिन के मैच्योरिटी में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं. फिर सिक्योरिटीज ऑफ द पोर्टफोलियो हैविंग मैच्योरिटी मोर देन 60 डेज नीड टू बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, यानी कि वैसा सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी 60 डेज से ज्यादा होगा उसको मार्क टू मार्केट करना है, यानी कि डेली बेसिस पे मार्केट का जो प्राइस फ्लक्चुएट करेगा उसके बेसिस पे इसको अपडेट करना रहता है. These schemes are ideal for investors seeking high liquidity with safety of capital. ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन लोगों को high liquidity चाहिए और capital भी secure चाहिए, मतलब कि capital का loss नहीं होगा, down नहीं होगा, और जब चाहे वो market से पैसा निकाल लें, जब चाहे market में पैसा डाल लें, तो secure
लिक्विडिटी भी काफी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विद शॉर्ट टेनर एंड हैव लो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ड्यूरेशन ही कम रहेगा तो इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन होने का चांसेस भी कम रहेगा, ठीक है। इसलिए इसमें अगर इंटरेस्ट रेट लो है, ड्यूरेशन लो है, तो रिटर्न भी लो ही रहेगा। सम ऑफ द फंड्स इन दिस कैटेगरी आर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड शॉर्ट टर्म गिल्ट फंड। शॉर्ट टर्म डेट फंड में कुछ कैटेगरीज हैं जो जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लान। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लान में क्या होता है कि इसको ट्रेजरी मैनेजमेंट फंड या कैश मैनेजमेंट फंड भी कहते हैं। दे इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मनी मार्केट में एंड अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, और दूसरे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में। इनका ऑब्जेक्टिव रहता है जनरेट ए स्टेडी रिटर्न, मतलब कि कंटिन्यूअस ये रिटर्न जनरेट करते रहे और एनएवी का फ्लक्चुएशन भी कम से कम हो। शॉर्ट टर्म प्लान में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज एलोकेट अ स्मॉल एलोकेशन टू लॉन्गर टर्म डेट, मतलब ज्यादातर इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म डेट में ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म डेट में भी करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान से इन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट इनकम, और लॉन्ग टर्म प्लान से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से मिलेगा इन्हें इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन दोनों। लॉन्ग टर्म डेट तीसरा है लॉन्ग टर्म डेट स्कीम। लॉन्ग टर्म डेट स्कीम सच एज गिल्ट फंड्स एंड इनकम फंड्स इन्वेस्ट इन लॉन्गर टर्म सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले जो फंड थे और इनकम फंड, ये लॉन्गर मैच्योरिटी वाले रहेंगे, मतलब इसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन काफी ज्यादा रहेगा। ये इश्यूड बाय गवर्नमेंट और अदर कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और दूसरे कॉर्पोरेट बॉडीज भी। दूसरा कैटेगराइजेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि कोई अगर फंड मैनेजर किस स्ट्रेटजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी डिसाइड होगा कि फंड डेट फंड कितने तरह के होंगे। तो इसमें पहला है डाइवर्सिफाइड डेट फंड और इनकम फंड। तो डाइवर्सिफाइड डेट में क्या रहेगा, ये मिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज, यानी कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिल्ट फंड भी रहेंगे प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिबेंचर, कॉमर्शियल पेपर, ये सब में भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड अर्न हायर कूपन रेट, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिस्क ज्यादा रहता है तो उनका कूपन रेट ज्यादा रहेगा, यानी वो ज्यादा रिटर्न देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्प टू मिल्ट लिक्विडिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके, क्योंकि ये लो रिस्क के रहते हैं, लिक्विडिटी इसमें ज्यादा रहती है, कि जब चाहे मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं, तो इसलिए इनको लिक्विडिटी मीट करने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है जंक बॉन्ड स्कीम। जंक बॉन्ड स्कीम ज्यादातर काफी रिस्की स्कीम होते हैं या काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। अब चूंकि रिस्क ज्यादा रहता है इसके लिए इसमें रिटर्न भी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है डायनेमिक डेट फंड। डायनेमिक डेट फंड क्या रहता है कि ये फ्लेक्सिबल रहता है, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कोई फोकस नहीं रहेगा, डू नॉट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और एनी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इश्यूअर्स। इसमें लॉन्ग टर्म भी रहेगा, शॉर्ट टर्म भी रहेगा, किसी भी तरह का इश्यूअर हो, गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट हो या अदर बॉडीज हो, ये सब तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर ड्यूरेशन भी इसका फिक्स नहीं रहेगा कि कितने ड्यूरेशन की मैच्योरिटी के रहेंगे, शॉर्ट टर्म के रहेंगे, लॉन्ग टर्म के रहेंगे या मिड टर्म के रहेंगे। और ये पोर्टफोलियो डायनेमिक रहता है, इसमें मतलब फंड मैनेजर इसको चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। यानी कि इफ द मैनेजर बिलीव्स दैट इंटरेस्ट रेट वुड कम अप द ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज रिड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर फंड मैनेजर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट डाउन होने वाला है, नीचे आने वाला है, तो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन भी वो कम कर देते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स क्या होता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स आर अ काइंड ऑफ डेट फंड वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज क्लोजली अलाइन्ड टू द मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम, यानी कि ये फिक्स्ड मैच्योरिटी है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही मैच्योर करेगा, तो पोर्टफोलियो भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि वो पोर्टफोलियो भी उसी टाइम में मैच्योर करे। और ये क्लोज एंडेड फंड होता है, इसका मतलब कि डू नॉट एक्सेप्ट मनी पोस्ट एनएफओ, पोस्ट एनएफओ यानी कि एनएफओ बंद होने के बाद इसमें मनी नहीं डाला जा सकता, तो फंड मैनेजर का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रेट फंड। फ्लोटिंग रेट फंड क्या है कि इन्वेस्ट लार्जली इन फ्लोटिंग रेट डेट सिक्योरिटी, यानी कि वैसा डेट सिक्योरिटी जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता हो, यानी अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो इसका भी बढ़ जाएगा, घटा तो इसका भी घट जाएगा।
जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर कोई एक डेट सिक्योरिटी है जिसमें ये कंडीशन है कि वो इंटरेस्ट रेट पे करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लस वन, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जितना आएगा प्लस उससे 1% ज्यादा। तो मान के चलिए कि अगर 5 इयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट अभी 7% है तो उस डेट सिक्योरिटीज का रिटर्न रहेगा 8%, और अगर 6% है तो 7%। उसी तरह से अगर मान लीजिए मार्केट कंडीशन का चेंज हुआ और 5 इयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड रेट या फिर इंटरेस्ट रेट 3% हो गया तो वो 3% 1% ज्यादा यानी 4% देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसमें गेन का चांसेस ज्यादा रहता है, यानी एनएवी कम फ्लक्चुएट करेगा, और ये जो नॉर्मल डेब्ट सिक्योरिटीज है फिक्स डेब्ट सिक्योरिटीज उससे ये बेटर होता है, क्योंकि उसमें जितना मिलेगा उसके लगभग या उससे ज्यादा ही इसमें मिलता है। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू कमेंट लाइक एंड शेयर एंड प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल बटन। बेल बटन को दबाने से क्या होगा कि आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट चला जाएगा। ओके गाइस, सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप स्टे कनेक्टेड। थैंक यू गाइस।